आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। मेरठ में कोविड 19 के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मेरठ में 4 और पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं, जिसके कारण पॉजिटिव का आंकड़ा 65 पहुंच गया है। 113 सैंपल में से 6 सैंपल पॉजिटिव आए थे, जिसमें से 2 नोएडा से और 4 मेरठ से है, जिसकी वजह से 59 से आंकड़ा सीधे 65 पहुंच गया। 4 पॉजिटिव केस जनपद मेरठ में निकले, उनमें से 2 जागर कॉलोनी के रहने वाले हैं और जो है 2 महिलाएं हैं। टोटल 4 केस है सर। जो सुबह का अपडेट थी 2 पेशेंटों की, क्या वो इंक्लूडेड है इसमें? नहीं, वो उनसे अलग है, वो कल देर रात सूचना उनकी प्राप्त हुई थी। तो टोटल आज 6 हो गए ना? जी 6 हो गए। सर कितने टेस्ट लगे थे आज? आज हमारे करीब जो है 57 टेस्ट लगे थे। सर अब तक जितने पॉजिटिव टेस्ट आए हैं, उनमें कितने विदेशी हैं, कितने कितने वो यहाँ के हैं और कितने कितने लोग किस तरीके से? देखिए, हमारे जो अब तक उनमें सिर्फ 2 विदेशी हैं, बाकी इंडियन हैं सभी। और इनमें से एनआरआई नहीं है। 2 लोग जो है सिंगापुर से और फिलीपींस से 2 लोग आए हुए हैं, वो यहीं के रहने वाले हैं, उधर गए हुए थे। सर आज मेरठ पुलिस के भी 5 जवानों के भी सैंपल गए हैं, उनकी क्या अपडेट है? अभी उनके सैंपल नहीं गए हैं। ये 3 दिन पहले जो थाना दिल्ली गेट में जो लोग पकड़े गए थे दरीवाली मस्जिद में पथराव के बाद, उनके संपर्क में आए थे। इनको क्वारंटीन किया गया है और गाइडलाइन के अनुसार 5 दिन के बाद सैम्पलिंग होती है, तो अभी इनकी सैम्पलिंग नहीं हुई है। इनको होम क्वारंटाइन किया गया? नहीं, इनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा हुआ। सर अभी कितने और लोगों की लिस्ट पेंडिंग में है? देखिए, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और अभी हमारे करीब 100 सैंपल के आसपास हमारे जो हमने आज कल में लिए हैं वो पेंडिंग है और रिजल्ट आते रहते हैं, नए सैंपल्स हम लोग लेते रहते हैं। सर एक पेशेंट की मृत्यु की सूचना मिल रही थी मेडिकल से, क्या पूरा मामला? एक मेडिकल कॉलेज में एक पेशेंट आया था चेस्ट पेन लेके, जैसा वहाँ से हमें बताया गया है उसकी मृत्यु हो गई थी। उसका उन्होंने सैंपल भी लिया है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो उसकी मृत्यु का क्या कारण है।